एक कहानी है, कहानी कविता है, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा किसने लिखा? निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारत के सबसे अभागा कवि। अभागा कवि इस रूप में कि जब 5 साल के थे तो माँ मर गई थी, और जब 22 साल के हुए तो पिता मर गए, शादी किए तो 3 साल के अंदर पत्नी मर गई, एक छोटी सी बच्ची सरोज को छोड़कर। उनकी कविता है सरोज स्मृति, बीपीएससी में हिंदी साहित्य रखिएगा ना तो सरोज स्मृति लगा हुआ है, सरोज पर लिखा है उन्होंने, अपनी बेटी पर, अपनी बेटी के जो दुख है। 1.5 साल की जब सरोज थी तो पत्नी मर गई, आज जब 1.25 साल की थी तो उसमें लिखे हैं 1.25 साल की जब तू कोमल, बेटी को क्या बोलते हैं? कोमल बोलते हैं, धन्य बोलते हैं, कई सारा जो पुत्री का जो पर्यायवाची है सबका इस्तेमाल उन्होंने किया है। धन्य मैं पिता निरर्थक था, धन्य मैं पिता निरर्थक था जो तेरे हित कुछ कर न सका, ऐसा पिता करने से अच्छा है कि न रहे, तुम्हारे लिए आज तक मैंने कुछ किया ही कहा। तो जब 18 साल की होती है सरोज तो उसका विवाह तय होता है, हम कहते हैं सरोज भी मर जाती है विवाह से 2 दिन पहले, विवाह तय रहता है, विवाह से सब मरते चला जाता है। तो एकदम अभागा व्यक्ति कविता लिखते हैं पर छपता नहीं है, फेंक दिया जाता है घुमा के, क्या कसड़ा छापे, अंत में पागल हो जाते हैं निराला, उनको सिक्कड़ में बांध कर रखा जाता है इलाहाबाद में, रस्सी तोड़ दे, बहादुर थे ना, रस्सी तोड़ देते थे, दांत से काट देते थे, सिक्कड़ में बांधा जाता था, वरना रेलवे स्टेशन इलाहाबाद में घूमते चलते थे, है ना। तो मेरा नाम है बाप, मेरा नाम है बब्बन सिंह, पिताजी का नाम है फक्कन सिंह, बोलते चलते थे, तो उनको बांध के सब रखता था। ये अभागा आदमी जब निराला 1962 में मरते हैं, 62 में जब निराला मरते हैं तो उनके सम्मान में उनका जो कविता है IAS के सिलेबस में लगा दिया गया। इंडिया में मरने के बाद सम्मान मिलता है, मरने से पहले सम्मान नहीं मिलता है।